नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आपका कोई सा ही बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड या कोई सा ही बोर्ड हो आपका, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। खासकर मैं यूपी बोर्ड की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चार क्वेश्चन मैंने लिए, इसमें जो चार क्वेश्चन आपको करना है, पेपरों में आते हैं लगभग चार चार नंबर के। तो कौन कौन से क्वेश्चन है पूरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण है द्विघात बनानी है इसको, और इसको हल करना है। 2018, 19 और 20 में आया हुआ है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पक्का करना है, सब डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तीन क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, 2016 और 17 में आया हुआ है, दो क्रमागत धन संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, पहले एक्स प्लस चार और एक्स माइनस सात का। तो एलसीएम लेते हैं, एक्स प्लस चार मल्टीप्लाई में एक्स माइनस सात, भिन्न बनेगी सिंपल वाली, एक्स प्लस चार से इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस सात, एक्स माइनस सात की एक में गुणा, तो एक्स माइनस सात। अब दूसरी बात जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ माइनस लगा के यहाँ पर ब्रैकेट कोई नहीं लगाता, तो पहले ब्रैकेट लगाना है। अब एक्स माइनस सात से इसमें भाग करेंगे कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस चार, एक्स प्लस चार की एक में गुणा, एक्स प्लस चार, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगाना माइनस लगा के, बराबर में 11/30, तो एक्स माइनस सात माइनस का एक्स, ये प्लस है, माइनस का चार, इसकी इससे कर लो मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स माइनस सात से, तो एक्स की एक्स में करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की सात में सात एक्स, प्लस चार की एक्स में चार एक्स, माइनस चार सत्ते 28, बराबर में 11/30। तो एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। अब सात और चार माइनस के 11/ एक्स स्क्वायर माइनस सात में चार गए, माइनस का 3x माइनस 28, बराबर में 11/30। 11 से 11 कैंसिल, यहीं पे कर दो, ठीक है, एक बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 की एक्स करोगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28, बराबर में 30 की एक्स माइनस का 30। अब माइनस का 30 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28, माइनस का इधर आके प्लस का 30, बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 गए, प्लस के 2, बराबर 0। अब क्या करना है, इसमें हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो 2 की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1, तो 2 के ऐसे टुकड़े करने होंगे कि उनकी गुणा करें तो 2 आए और जोड़ें तो 3 आए। ये हमारे हैं 2 और 1, 2 एकम 2 और 2 और 1 3, तो 3 को लिख लो 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करो 2x माइनस का 1x प्लस 2 बराबर 0। अब कॉमन लो इसमें से, x यहाँ भी है यहाँ भी, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 2 माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, यहाँ बचेगा माइनस 2 बराबर में 0। जो दो बार उसको एक बार लिख दो, x माइनस 2 दो बार है, एक बार लिख दिया, यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर में 0। अब दोनों के बराबर में 0 है, इसके भी और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0, ये माइनस का प्लस आ गया, x बराबर 2 और x बराबर 0 प्लस 1, x बराबर 1। तो इस तरह से हमारे x के आंसर आ गए। हमने करा क्या, इसमें हमने इसमें पहले इनका एलसीएम लिया, पक्षांतर कर 11 से 11 काट दिया, और द्विघात समीकरण बना के इसके मूल निकाल लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले रहमान की वर्तमान आयु मानते हैं, तो हम मानेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु,
हमने मान ली एक्स वर्ष, ठीक है, तो अब से 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर एक्स माइनस 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब 5 वर्ष पश्चात आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु एक्स प्लस 5 वर्ष, पश्चात के लिए प्लस और पूर्व के लिए माइनस। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व कितनी थी, एक्स माइनस 3, इसका व्युत्क्रम मतलब ये 1/2 में लिख दो। दूसरा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात ये इसका व्युत्क्रम 1/x+5 का योग, योग कर दिया 1/3 है, ये समीकरण बन गया, इसको इजीली सॉल्व कर लो और आंसर निकाल दो। सेम ऐसे क्वेश्चन बन गया। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, पहले खुद ट्राई करना, बाद में आपको इसको देखना है। x माइनस 3 x+5 एलसीएम, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, बचेगा x प्लस 5, तो x प्लस 5 यहां लिख लो प्लस, इससे ये कैंसिल, x माइनस 3 बराबर में 1/3। अब x और x 2x प्लस 5 माइनस 3 गए 2/2 में, x की इसमें करोगे गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स में करी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 5 में 5x माइनस 3 के एक्स में 3x और माइनस 3 × 5 = 15 बराबर में 1/3। तो यहाँ आ गया 2x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 5x में 3x गए 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एक से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 किस से करोगे तो 3 × 6x प्लस 3 × 6 यह आ गया। पक्षांतर कर दो, द्विघात समीकरण बनाओ उसको इजीली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये माइनस का 6x इधर आ गया, माइनस का 15 प्लस का 6 माइनस का 6 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर 2 में 6 गए माइनस का 4x माइनस 15 और 6 = 21 बराबर में 0, इतना आ गया। अब x के मान निकाल लो, क्या करोगे 21 की x स्क्वायर के गुणांक में गुणा 1 है तो 21 आ गया, 21 के दो ऐसे टुकड़े उनके गुणा करें तो 21 आए और जोड़े घटाए तो 4 आए, कौन कौन से होंगे 3 और 7, 7 और 3 वो 7 से 21 गुणा करें और 7 में 3 गए 4, तो 4 को 7 - 3 लिख लो, 7 - 3 माइनस का 21 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0, कॉमन लो x, यहाँ बचेगा x माइनस 7 प्लस यहाँ पे 3, यहाँ बचेगा x माइनस 7 बराबर में 0, दो बार x माइनस 7 इसको एक बार लिखो, ये x प्लस 3 एक ही बार है इसको एक बार लिख लो। अब x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 7, एक्स बराबर माइनस का 3, क्योंकि आयु जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो ये हमारी अमान्य या अस्वीकार्य, ठीक है, तो प्लस वाली हम लेंगे, तो एक्स का मान जो है हमारा 7 आ गया। तो हमसे पूछा गया था उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, हमने मानी थी रहमान की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, तो हम लिख देंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन और हैं, इनको देख लेते हैं। 3 क्रमागत धन पूर्णांक ये आया हुआ हमारा, 1 मिनट मॉडल में देखना पड़ेगा, तो ये हमारा 2017 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 3 क्रमागत धन पूर्णांक मानते हैं, माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, x प्लस 1,
एक्स प्लस दो ये हमने मान लिए। तो क्या करेंगे अब, इसमें कहा गया है कि प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार इसमें कहा गया है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, तो प्रथम का वर्ग करो तथा दूसरे और तीसरे गुणनफल, दूसरा और तीसरा के गुणनफल का योग, योग 191 है तो करो इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किस में गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की गुणा, एक्स प्लस 2 बराबर 191। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 और 1 3x प्लस 2 माइनस, ये प्लस का माइनस में आ गया बराबर 0। अब 191 से 2 गए 189, माइनस का 189 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, 189 की 2 में गुणा करो, तो 9 दुनी 18 एक हासिल, 8 दुनी 16 और 1 17 एक हासिल, 1 दुनी 2 और 1 3। अब 378 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनकी गुणा करें 378 आए और जोड़ें घटाएं तो 3 आए। तो फैक्टर करते हैं इसके, 2 एक 2 दो अट्ठे 16 दो नौ 18, 3 से 3 चंग 18, 3 तीन 9, 3 से 21, 3 सत्ते और 7 1। अब इनमें से जोड़े घटा के 3 लेके आना हमें, तो करते हैं इसको ट्राई, 2 3 6 3 18 और 21 आ गया, 2 3 6 6 3 18 और 3 सत्ते 21, 21 में से 18 घटाओगे 3 आएगा और 21 और 18 गुणा करोगे 378 आएगा। तो हम लिख देंगे 3 को 21 माइनस 18, 2x स्क्वायर प्लस 21 माइनस 18 x माइनस 189 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 18x माइनस 189 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, यहाँ बचेगा 2x प्लस 21 माइनस, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 18, यहाँ बचेगा x और प्लस में यहाँ बचेगा 21। तो यहाँ पर हमारा 9 कॉमन होगा, ठीक है, यहाँ पर 18x है ना, तो यहाँ पर होगा हमारा 9 कॉमन। इसको लाइन को दोबारा करते हैं हम, यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2x प्लस 21 माइनस, यहाँ पर है 9 कॉमन, तो 9 यहाँ बचेगा 2x प्लस 9 से भाग करा, 9 दून 18, 9 इकन 9 बराबर में 0। तो जो दो बार उसको एक बार लिख लो, 2x प्लस 21 और बचा x माइनस 9 बराबर में 0। तो अब दोनों के बराबर में 0 रखते हैं हम, 2x प्लस 21 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर आ गया यहाँ से माइनस का 21 बटे 2 और x बराबर यहाँ से आ गया प्लस का 9। अब धन पूर्णांक हमारा माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा अमान्य है, ठीक है, इसको हम लेंगे। तो हमारे धन पूर्णांक कौन कौन से थे, एक था x, x प्लस 1, x प्लस 2, तो हम लिखेंगे धन पूर्णांक बराबर 3 धन पूर्णांक बराबर x हो गया, x प्लस 1 यानी कि इसमें 1 जोड़ो 10, x प्लस 2 यानी कि इसमें 2 जोड़ो 11, 9 10 11 ये हमारे आंसर हो गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत धन सम संख्या मानेंगे, तो माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं, ठीक है, इसको मानते हैं दो क्रमागत धन सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक x मान लिया और एक x प्लस 2 मान लिया। तो इसको करते हैं, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग प्रश्नानुसार, इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो योग हो गया बराबर है 244।
तो संख्या ज्ञात करो, यानी कि एक्स और एक्स प्लस दो में ज्ञात करने हैं। तो करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो का स्क्वायर, चार प्लस दो ए बी दो दूनी चार एक्स बराबर में 244। अब पक्षांतर करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार माइनस में आके इधर हो गया है, तो दो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स घटाओ इसको माइनस का 240 बराबर में जीरो। पूरी समीकरण को दो से भाग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ करो दो एक्स माइनस एक दो जीरो बराबर में जीरो। अब हमें करना क्या है, 120 के ऐसे टुकड़े जिनकी गुणाकार 120 आए और जोड़ा घटाया तो दो आए, तो 120 के टुकड़े करो, दो छिंग 12, दो तीय 6, दो 15, तीन पंजे और पाँच इकन, इसको करो दो आना चाहिए, तो दो दूनी चार दूनी 8 तिया 24, पाँच नहीं आएगा, दो दूनी 4 तिया 12 आ गया, दो दूनी 4, दो दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 और 2, 5 दूनी 10, तो 12 और 10, तो दो को हम लिख लेंगे 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 एक्स माइनस का 120 बराबर में जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 के एक्स में 12 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस का 120 बराबर में जीरो। अब एक्स कॉमन है, यहाँ बच्चे का एक्स प्लस 12 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा कॉमन है 5, यहाँ पे हमारा 10 कॉमन है, 10 यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ बचेगा 12 बराबर में जीरो। दो बार है एक्स प्लस 12, इसको एक बार लिखो, एक्स प्लस 12 ये जो बचा है एक्स माइनस 10 बराबर में जीरो, तो दोनों के बराबर में जीरो रखो, एक्स प्लस 12 बराबर जीरो और एक्स माइनस 10 बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस का 12 और एक्स बराबर 10, तो माइनस वाला हम लेते नहीं है, ये है हमारा अमान्य, ठीक है। तो एक्स बराबर जो है 10 आ गया। अब हमें क्या करने, दो सम संख्याएं संख्याएं, तो एक्स और एक्स प्लस दो हैं, तो लिख देंगे हम दो सम संख्याएं बराबर एक्स हो गया, एक्स प्लस दो यानी इसमें दो जोड़ो 12, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे आपको चार नंबर पूरे मिलेंगे। तो चार क्वेश्चन हमने वीडियो में डिस्कस करे, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।